नमस्कार, मैं हूं अनामिका बिहारी न्यूज से और आज हम बताएंगे आपको तेजी से गाड़ी चलाने वालों के लिए पहले से 10 गुना अधिक राशि वसूलने का नया नियम राज्यसभा से पास हो चुका है। अब राष्ट्रपति के मुहर लगते ही पूरे देश में सख्ती के साथ यह कानून लागू कर दिया जाएगा। नए यातायात नियमों के मुताबिक सड़कों पर मन मर्जी जैसे मन तैसे गाड़ी चलाने वालों को अब पहले से 10 गुना अधिक जुर्माने भरने होंगे। गौरतलब है कि पहले तेजी से गाड़ी चलाने वालों को 500 रुपये देने होते थे, लेकिन अब यही राशि बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार नया नियम हेलमेट और बेल्ट नहीं लगाने वालों के लिए भी जो राशि 100 रुपये तय थी उसे 10 गुना बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। यानी कि जितना जुर्माना लगेगा उतने में 2 हेलमेट खरीदे जा सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष हजारों लोग सड़क हादसे के शिकार होते हैं, ऐसे में सख्त कानून वाले मोटर वाहन संशोधन विधेयक लाना जरूरी था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों को अब 2000 की जगह 10000 रुपये बतौर जुर्माने देने होंगे। नितिन ने यह भी बताया कि बिहार में चलने वाली पुरानी और खटारा बसें अब बहुत ही जल्दी बंद करवाई जाएंगी और उनकी जगह नई एसी लग्जरी बसों को चलाया जाएगा। इन बसों का किराया भी 30% कम लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे इस Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।